हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसको देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, किस चीज का लाइसेंस मुझे मिला है खाने के लिए, किसका नहीं मिला है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें तो हमें पता ही है, जैसे अल्कोहल नहीं पीना होता, कैफीन का इंटेक ज्यादा नहीं लेना होता, लेकिन कुछ चीजें इनसे भी ज्यादा हार्मफुल होती हैं और बेबी को भी बहुत नुकसान कर सकती है। वैसे ही एक चीज है मैगी या फिर जिसे कह सकते हैं इंस्टेंट नूडल्स, दोनों एक ही कैटेगरी में आती है, जो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, इसलिए उसे अवॉइड करना सबसे सबसे बेटर है। तो आप बात करते हैं कि किस किस टाइप के नूडल्स होते हैं। बहुत टाइप के नूडल्स होते हैं, जैसे आटा नूडल्स होते हैं और मैगी तो है ही फेमस काफी, और उसके अलावा है आपके हक्का नूडल्स वगैरह हैं, और जो एक वो मैगी मसाला आता है पैकेट के अंदर वो तो काफी हार्मफुल होता है। मतलब ओवरऑल मैगी हार्मफुल हो या ना हो, लेकिन जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपको कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल आपके लिए साबित हो सकता है। अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैगी खाना सेफ है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैगी खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये एक बहुत अट्रैक्टिव चॉइस हो सकती है कि बहुत टेस्टी बनता है, स्पाइसी होता है, टैंगी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती जो बहुत फायदेमंद हो। और बीच में जब मैगी बैन हुई थी तो एक MSG नाम का कॉम्पोनेंट उसके अंदर पाया गया था, जो अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो बहुत हार्मफुल हो सकता है और प्रेगनेंट लेडी के लिए तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो बेटर है कि आप अवॉइड करिए, ना कम क्वांटिटी में खाइए ना ज्यादा खाइए, बिल्कुल खाइए ही मत। अब बात करेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं मैगी में जो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। तो मैगी में होते हैं मैदा, तो आपको पता ही है हार्मफुल होता ही है। सॉल्ट अगर प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाए तो वो हार्म कर सकता है, सॉल्ट भी ज्यादा होता है मैगी में। उसके अलावा मैंने बताया MSG होता है, ट्रांस फैट होता है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत हार्मफुल साबित हो सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि मैगी को आप छूइए ही मत बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में। एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको बोलते हैं TBHQ, वो क्या होता है और उसका रोल मैगी में क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड है। TBHQ होता है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनिन। ये एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल कह सकते हैं या कंपाउंड कह सकते हैं, इनफैक्ट कंपाउंड ज्यादा सही रहेगा, जो मैगी में प्रेजेंट होता है, जो बहुत हार्म कर सकता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी और बेबी को तो कर ही जाएगा वो हार्म। इवन ये जो कंपाउंड है ये आपको फ्रोजन फूड में भी मिलता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, और ये इतना हार्मफुल है कि ये पेंट वगैरह में, केमिकल वगैरह में, उसमें भी यूज होता है। ये एक टॉक्सिक केमिकल है जो बच्चे के लिए लॉन्ग रन में बहुत ही खराब हो सकता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है मैगी में, तो इसलिए मैगी को प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करिए। अब ये TBHQ जो है ये क्या कर सकता है, TBHQ से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नौसिया हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकती है, ये एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है, बच्चे की ओबेसिटी को बढ़ा सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और डायबिटीज तक हो सकता है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि TBHQ कितना हार्मफुल है, और ये ध्यान रखिए कि मैगी में प्रेजेंट है तो मैगी में तो ये कितना हार्म करता होगा। उसके अलावा अगर आपका बहुत ही मन करे, आपसे रुका ही नहीं जा रहा, आप बिल्कुल मैगी एडिक्ट हैं और आप पहले से भी खाते थे, फिर आप प्रेग्नेंट हो गए, अब भी आपका बहुत मन कर रहा है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, वो भी 2-3 बाइट खाएंगे। मैं तो वैसे रिकमेंड नहीं करूंगी मैगी खाना, पर जब आपसे बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा है तो आप उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करिए और सॉल्ट जो है वो कम रखिए, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी मसाले में बहुत ज्यादा होता है, और फिर 2-3 बाइट आप खा सकते हैं, इससे आपकी क्रेविंग जो है वो कम हो जाएगी, ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। उसके अलावा क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, मतलब अगर आप मैगी ना खाना चाहे तो और आप क्या खा सकते हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं स्प्राउट से, स्प्राउट की चाट बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है उबाल के। उसके अलावा ओट्स खा सकते हैं, ओट्स भी बहुत ज्यादा जो है फायदा करते हैं। तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप अपना सकते हैं, और इससे आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, वो आपको हार्म भी नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत टाइम से आ रहा था कि मैगी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, तो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैगी कितनी सेफ है और कितनी अनसेफ है। आपके अपने क्वेश्चंस का जो है वो जवाब मिल गया होगा आपको, तो आप खुद डिसाइड कीजिए। एक बच्चे के लिए मदर से ज्यादा अच्छा कोई कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको मैगी खानी है या नहीं खानी है। मैंने तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी मैगी नहीं खाई, और मुझे नॉर्मली भी मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस ये था वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे यकीन है कि जरूर इस वीडियो से किसी ना किसी की हेल्प होगी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है आपको किस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।